हेलो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। जो लोग पहली मरतबा वीडियो देख रहे हैं तो आप देख लीजिए, तमाम ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मैच एनालिसिस और जो बहुत अच्छे इंटरव्यूज हैं वो आपको यहाँ मिल रहे हैं। आप जाके पिछले एक हफ्ते में जितने इंटरव्यूज हुए उनको भी इंजॉय कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास हर क्रिकेट की स्पोर्ट्स की अपडेट पहुंचती रहे। तो जनाब, आज जो मेरा टॉपिक है पाकिस्तान सुपर लीग के जो एक रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है या जो अब एक एडिशनल ड्राफ्ट कह सकते हैं, उसके हवाले से काफी क्यूरीज आई थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मोस्ट लाइकली प्लेयर्स जो कि इस पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 के बकिया मैचेस में शरीक नहीं होंगे, वो प्लेयर्स जिनकी शिरकत के इम्कान हैं, और साथ ही वो प्लेयर्स जो कि पहली मरतबा यानी कि पीएसएल 6 में नहीं थे, अब वो दस्तियाब हैं। तो सिचुएशन तो बहुत कॉम्प्लिकेशन है, कुछ देर में आपको तमाम प्लेयर्स के नाम और पूरी सिचुएशन बताऊंगा। बट आपके इल्म में है कि पाकिस्तान सुपर लीग कोरोना वायरस की वजह से, बहुत सारे केसेस आने की वजह से अचानक मुलतवी की गई थी, और अब यकम जून से इसका इनेकाद होना है। कराची में तमाम मैचेस खेले जाएंगे, 23 मई से जो है वो तमाम प्लेयर्स को जो है वो जमा होना है। तो 7 दिन का क्वारंटीन है, इस ये भी याद रखिएगा। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको खुद चीज़ें समझने में आसानी होगी। एक तो इंडियन प्रीमियर लीग में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो पीएसएल में खेलते हैं या जो पीएसएल के अलावा भी जो दस्तियाब होंगे, उन प्लेयर्स की तो सीधा सीधा जो डिपेंडेंट है वो इस बात पर है कि उनकी टीम कहां तक पहुंचती है। आपको पता है कि जून के आखिर में जाके, बल्कि 30 जून को गलबन आईपीएल का फाइनल है, तो उस वक्त तक ऑब्वियसली जो प्लेयर्स बिल्कुल फाइनल से 2 टीमों के जाएंगे उनका तो फिर बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर वो अगले दिन भी निकले 7 दिन का क्वारंटीन, तो करते करते 10 जून तो शायद तकरीबन हो जाएगी। बट अवेलेबल हो तो आखिरी 10 दिन में 3-4 भी मैचेस खेले जा सकते हैं। तभी ये सब कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं और इन्हीं चीज़ों को जो है वो मद्देनजर रखना पड़ेगा। कुछ प्लेयर जो है वो चंद मैचेस के लिए दस्तयाब हैं, कुछ प्लेयर जो है वो फुल सीजन के लिए हो सकते हैं। अब बहुत सारी इसमें कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ इंग्लैंड न्यूजीलैंड की तो सीरीज भी आ रही है, उसके अलावा आपको पता है वाइटेलिटी ब्लास्ट भी 9 जून से शुरू हो रहा है। तो बहुत सारे प्लेयर जैसे कि राशिद खान वहाँ खेल रहे हैं, मोहम्मद आमिर का माहदा हुआ हुआ है, बहुत सारी और चीज़ें हैं, तो इतना आसान नहीं है। ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो लीग उस वक्त पर मुकम्मल करनी चाहिए थी, लेकिन चले जो हुआ सो हुआ। अब इस लीग को बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। आप खेल में है कि बहुत सारे जो बल्कि बहुत सारे नहीं, गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं उनको भी जो है वो अब बताया ही जा रहा है कि हमने उसी फर्म की खिदमत हासिल की जो आईपीएल या पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज करा चुके थे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अब कोशिश की जा रही है कि फुल प्रूफ हो। अब जनाब आते हैं उस मेन टॉपिक पे जो आप जानना चाहते हैं, कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं कौन से नहीं। तो अगर आप देखें तो बहुत सारी टीमों के जो बहुत सारे की प्लेयर्स हैं उनकी शमूलियत वाकई मुश्किल दिखाई दे रही है। जैसा कि टॉम बेंटन है वो नहीं होंगे, इसी तरह इंग्लैंड के जितने प्लेयर्स हैं, जैसन रॉय जब खेल रहे हैं अपनी टीम में वो भी नहीं होंगे, साकिब महमूद नहीं होंगे, इसी तरह लिविंगस्टन नहीं होंगे और क्रिस जॉर्डन नहीं होंगे, इसके अलावा जितने भी प्लेयर्स हैं जो मुझे अब तक पता चला मैं आपको बता देता हूँ जो प्लेयर्स नहीं है, एडम लाइथ और जेम विल्स भी नहीं होंगे मुल्तान सुल्तान में, इमरान ताहिर शायद आईपीएल के बाद ज्वाइन कर ले, इसी तरह टॉम बेंटन भी नहीं होंगे कोटा ग्लेडिएटर्स से, तो उनकी रिप्लेसमेंट उनको ढूंढनी पड़ेगी। क्रिस केन, फाफ डी प्लेसी, डेव स्टेन, इनका आने का इम्कान मौजूद है, बट ये डिपेंड करेंगे कि स्पेशली फाफ और गेल का तो आईपीएल का जो सीन है वो देखना पड़ेगा। अब ये टीमों पर भी डिपेंड करता है कि क्या टीमें किसी प्लेयर के लिए वेट करेंगी या उनको चंद मैचेस के लिए सिर्फ हासिल करना चाहेंगी। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल कि पंजाब किंग्स या जो चेन्नई सुपर किंग्स है, अगर आपके ख्याल में मुझे लगता है कि अगर चले वो पहुंच जाते हैं फाइनल में, तो फिर आप ये भी देखिए कि 30 जून को तो गेल और फाफ फ्री होंगे, उसके बाद एक आध दिन उनको फ्लाइट लेने में लगेगा, यहाँ क्वारंटीन होंगे, 7 दिन वो लग जाएंगे। अब ये टीमों पर डिपेंड करता है कि ऐसे प्लेयर्स को क्या वो हासिल करना चाहेंगे। इसके अंदर और बहुत सारे मामला भी हैं कि प्लेयर्स उससे पहले क्या उनके पास पिक्स होंगी, बाद में क्या होंगी, अप्रूवल्स का मामला भी है, तो ये सारी चीज़ें। और फिर ऑब्वियसली दुनिया में और आने वाले जो प्लेयर्स हैं उनका तो फ्लाइट क्वारंटीन, और बहुत सारे प्लेयर्स शायद अपने घरों को भी जाना चाहें, यू नेवर नो। आईपीएल के बाद वैसे भी भारत में जो प्रॉब्लम है इस वक्त आपको पता ही है कितने केसेस हैं, खिलाड़ियों के लिए आसान वक्त नहीं है, किसी के लिए भी आसान वक्त नहीं है, बट वो वहाँ मौजूद हैं लंबे अरसे, 1.5-2 महीना वह रहेंगे, उसके बाद कोई उनसे खेलना चाहेगा या घर जाना चाहेंगे, ये भी एक सिचुएशन जो है वो डिवेलप हो रही है, तो इसका भी देखना पड़ेगा। पिशावर जलमी में अगर आप देखें तो उनके पास रदरफर्ड और ऑब्वियसली डेविड मिलर, उनके 2 बड़े की प्लेयर हैं मेरे ख्याल में। जो मेरे पास इतना है, जो मैंने कैलकुलेशन की है, जो ये सब जो मैं आपको बताता हूँ मेरी कैलकुलेशन बेस पर है, और जो मैंने कुछ इस बारे में रीचेकिंग की, तो मुझे लग रहा है कि डेविड मिलर और रदरफर्ड दस्तियाब होंगे। तो पिशावर जलमी को अपनी बैटिंग में तो इन 2 बड़े नामों में, रदरफर्ड ने तो मैच मैनेज भी किया, बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो मेरे ख्याल में तो मिलर और रदरफोर्ड के होते हुए पिशावर जलमी की टीम, अब उनको चाहे जो और प्लेयर जैसे भी मिले, इन 2 की वजह से बड़े मजबूत रहेंगे।
इसी तरह अगर हम बाकी बात करें तो जनाब देखें पीएसएल के बाकी मैचेस के लिए बाकी जैसे खबरें हैं कि टॉप प्लेयर दस्तयाब नहीं ऐसे ही, लेकिन कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो इस लीग के लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि मार्टिन गुप्तन है, आंद्रे रसल हैं, एडम मिलने हैं, जेम्स फॉकनर है, जो बर्न्स हैं, मॉर्ने मॉर्कल हैं, इतना शाकिब उल हसन, तमीम इकबाल, बांग्लादेश के और जो खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्तिल भी हैं, उनके एक दो प्लेयर्स भी जो है वो अवेलेबल हो सकते हैं जो टेस्ट टीम में नहीं खेलते, तो ये तमाम खिलाड़ी तो मौजूद हैं। अब ऑब्वियसली तमाम टीमों को कॉम्प्लिकेशन तो आएंगी, चूँकि स्पेशली जिन टीमों का मोमेंटम अच्छा बना था, नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा जो है वो सोच विचार करनी पड़ेगी, खिलाड़ियों के मुतालिक जो है वो सोचना पड़ेगा। अब देखते हैं कि टीमें जो है वो क्या फैसला करती है कि मंगल को इस चीज़ का जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा और हमें जो खिलाड़ियों के नाम हैं वो पता चल जाएंगे कौन से टीमों में कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। अब हम देखते हैं कि टीमें जो है उस हवाले से क्या फैसला करती हैं और आपके ख्याल में तमाम जो टीमों के मैंने आपको प्लेयर्स बताए इनके बगैर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या उनको इंतज़ार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा कुछ आप मेरे भी आपके जो पास सारे ऑप्शन हैं वो मुझे बताइएगा। और मेरी ज़ाती राय में तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 कंप्लीट होना चाहिए, अच्छे तरीके से कंप्लीट हो, प्लेयर्स किसी के तगड़े होंगे किसी के नहीं होंगे, कोई टीम जीतेगी कोई हारेगी, बट आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस लीग को होना चाहिए, इसकी ब्रांड मीडिया वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तमाम ही टीमों के लिए बहुत पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि लीग का निकाल हो, फिर जो चार टीमें पहुँचे जो टीमें दो फाइनल में पहुँचे वो एक प्लस पॉइंट है उन टीमों के लिए, फैंस के लिए, बट आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तमाम जो टीमें हैं वो इस लीग में शरीक हो जाएं और ये लीग का इनेकाद अच्छे तरीके से हो, जो कि फिर हमें आगे चल के इंग्लैंड को होस्ट करना है और फिर पाकिस्तान के लिए तो आप देखें ना कि वापस से पाकिस्तान की टीम आ रही हुई है, आज रात 11 बजे आपके साथ लाइव सेशन तो नहीं कर पाऊंगा, एक कमिटमेंट है, बट कल मैं कोशिश करूँगा कि लेट नाइट अगर हम इस पर बात कर लें तो ज़रूर आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की जो 11 है उसमें मेरे ख्याल में, चले ये बता ही देता हूँ, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की 11 मुझे लग रहा है कि शाहीन और हसन तो ज़रूर आ जाएंगे, उसके साथ मुझे लग रहा है कि आसिफ अली की जगह हैदर अली शामिल होंगे, तो ये तीन तब्दीलियाँ तो मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इसके अलावा क्या तब्दीली हो सकती है पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के जो इस वक्त मामला हैं, जो पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, कम से कम मेरा दिमाग भी इस वक्त जो है वो सही तरह इस टीम मैनेजमेंट के थिंकिंग पे या 11 पे काम नहीं कर रहा, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि शाहीन हसन ऑब्वियसली आना पड़ेगा, हैदर अली को आपको खिलाना पड़ेगा आसिफ अली की जगह, और कितना खिलाएंगे उन्हें, दानिश अजीज की जगह क्या आप सरफराज को खिला सकते हैं, ये आपको कॉल लेनी है, और इसी तरह ऑब्वियसली नवाज और उस्मान कादिर में से क्या एक को आप खिलाएंगे, फहीम अशरफ को अभी और मौका देना है, तो ये चीज़ें तो बहरहाल उनकी फॉर्म पे डिपेंड करती हैं। तो यार ये थी सारी पीएसएल की अब तक की इन्फॉर्मेशन, इसमें जितनी और चीज़ें आती रहेंगी मैं बताता रहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके साथ रابطہ इसी तरह बरकरार रहे, आपका बहुत शुक्रिया।